हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राम स्टडी फैक्ट 1 2 3 में। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके होने वाले ALP टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ये 1000 प्रश्नों की सीरीज में 14 नंबर का वीडियो है और आपको अच्छे से इसे वॉच करना है क्योंकि एज इट इज यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रश्न नंबर 651, यक्षों में राजाओं को कहाँ बिठाया गया था? तो ये यक्षों को राजाओं को कहाँ बिठाया गया था? तो ये था राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो ये था शूद्रों तथा महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? तो ये था सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपदों की किन्हीं दावस्तियों के नाम बताओ जिनकी पुरातत्व वेदों ने खुदाई की। तो ये है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 2500 साल पहले। महाजनपदों का उदय 2500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते थे? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जनपद जन के बसने की जगह, फल फूलों का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता है था तो ये था कई सदस्यों के समूह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बन कर उभरा? तो ये है मगध का जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जी संघ की राजधानी तो ये थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से संबंधित था? तो ये था बज्जी संघ से। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन का संबंध किस जनपद से था? तो ये था वज्जी संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? तो यह है दीर्घ निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो ये थी प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस में किन लोगों का पूर्ण नागरिकता प्राप्त की थी? तो ये थी 30 साल से ऊपर जो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? तो ये था मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो ये था मैसिडोनिया का राजा था और इसने आक्रमण लगभग 2300 साल पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता है? तो ये करता है पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर महाजनपदों की एक ही क्या होती थी? तो ये है यानी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल पर भाग नामक कर लगाया जाता था तो ये है उपज का कितना हिस्सा होता है? तो ये होता है 1/6 भाग हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनकरों और लोहार या सुनार को राजा के लिए कितने दिन काम करना पड़ता है? तो ये कम से कम है इसका एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल और फाल किस धातु के बने होते हैं? तो ये है लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस
प्रस्थान करने पर सिकंदर के सैनिकों ने इनकार कर दिया था, तो यह है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? ये था वशिष्कर। वशिष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस में कई पदों पर नियुक्तियां किस द्वारा होती थी? ये थी लॉटरियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में सेना को भुगतान होता था नकद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकद वेतन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में भुजा शब्द होता था क्षत्रिय के लिए और पांच शब्द शूद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किले बंधे क्यों होती थी? तो ये थी शासकों का आक्रमण का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष के लिए पुरोहित को क्या मिलता था? तो ये था उसे दान दक्षिणा का उपहार मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का कार्य कौन करता था? तो ये था वैदिक काल में ब्राह्मण लोग करते थे शिक्षा का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अधिक वस्तुएं पाने की लिप्सा को क्या कहा, क्या संज्ञा दी? तो ये थी उनकी तनहा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ, यानी बिहार में, बिहार सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में थी? तो ये थी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद चिंतकों के क्या विचार थे? तो ये थे आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनक व अनिप्रति प्रतारिन कृषि किसकी उपासना करते थे? तो ये थे सार्वभौम आत्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विचार जीना चाहते हैं, यह विचार किसके थे? तो ये थे महावीर जैन के, महावीर जैन स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः किन लोगों ने किया? तो व्यापारी लोगों ने किया जैन धर्म का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन के चार अगुव हैं, तो ये हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर कहाँ बसे? तो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो ये था जैन अवेस्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्खु मिखुगियों के शरण स्थल कहाँ है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन धर्म हिंदू जैन धर्म ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ? तो ये था वल्लवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियम होते थे विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में विचारक क्या जानने का प्रयास कर रहे थे? ये थे जीवन के सच्चे रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के विचारों को भविष्य में किसने आगे बढ़ाया था? तो ये थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर किस वंश से थे? तो ये थे लिच्छवी वंश से, जैसे संगवज्जी भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम हमारे बाद क्या करते थे? तो
देते थे जीवन को प्रभावित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फर्म साम्यवस्था में होती थी जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतियोगी फर्म को उत्पादी में हानि होती है तो वह अपने प्रचालन लागत को पूरा करने तक उत्पादन करता करती रही होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को, लाइक भी चाहिए।